हे गाइस, वेलकम बैक माय टॉक चैनल ललित दिवंगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो। तो गाइस, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं माना में, और माना में अभी मैं पहुंचा हूं त्रिमूर्ति कला केंद्र में। और यहां पर आप देख सकते हैं पीछे गोदाम है, और यहां माना में जो है मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है। यहाँ के जो मूर्ति है बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर बनते हैं। अभी यहाँ पर कलर हुए हैं नहीं हुए हैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ। इसका जो है दो गोदाम है, इसी पास में ही है एक गोदाम यहाँ पर और एक दूसरा गोदाम इस साइड के एरिया में है। तो सबसे पहले इस वाले गोदाम में अपन चलते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे वाले गोदाम में अपन चलेंगे। और यहाँ की मूर्ति मैं पिछले टाइम जब आया हुआ था ना, बहुत सुंदर सुंदर यूनिक मूर्ति है, और बंगाली जो दुर्गा माता जो है वो बनकर तैयार करते हैं यहाँ पर, और अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पर मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को जो है दिखलाते हैं। तो अभी मैं पहुँचा हूँ त्रिमूर्ति कला केंद्र में। चलिए इस वाले गोदाम में अपन चलते हैं अंदर। ये देखो मस्त है, यहाँ पे सुंदर सुंदर जो है माँ दुर्गा जी की मूर्ति बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी यूनिक यूनिक जो है यहाँ पे मूर्ति जो है बने हुए हैं माता रानी के, देख सकते हैं। इसमें लगभग जो है पूरे काम हो चुके हैं। ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है हमारी माता रानी, आप देख सकते हैं इसमें पूरे वर्क हो चुके हैं। ये देखो अगर हाइट की अगर बात किया जाए तो लगभग ये 5 फीट के आसपास में है। ये देखिए और यहाँ पर भी शेर में जो है वर्क हो चुके हैं, काफ़ी सुंदर जो है भाई बने हुए हैं यार यहाँ की मूर्ति। पिछले टाइम भी यहाँ पे मैं पहुँचा हुआ था ना, यहाँ का जो डिज़ाइन जो दिया जाता है ना बहुत सुंदर दिया जाता है इस यहाँ के माँ दुर्गा जी के मूर्ति में। ये देखो कैसा लग रहा है आप लोग बिल्कुल बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना ये वाले मूर्ति में आप देखिए बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। यहाँ पे मुकुटे भी अच्छे वर्क किए गए हैं, बाकी जिस शेर वगैरह में भी मस्त वर्क किए हुए हैं। देखो छोटा सा मूर्ति है, ज़्यादा बड़ा मूर्ति नहीं है। ये देखिए यहाँ की मूर्ति बहुत सुंदर लगते हैं मुझे, पिछले टाइम भी यहाँ पे मैं पहुँचा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी मूर्ति तैयार हो गई, लगभग सभी मूर्ति जो है तैयार हो गए। एक एक करके जो है मैं आप सभी को दिखलाता हूँ। देखो इसमें भी पूरे वर्क हो चुके हैं, आँख वगैरह जो है लगभग जो है कम्प्लीट खुल चुके हैं। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है माता, और यहाँ पर भी शेर है। ये देखिए है ना बहुत सुंदर, कैसे लग रहा है बिल्कुल बताइएगा हमें। ये देखो इसमें भी कलर शायद करना बचा हुआ है। ये देखो इस वाली मूर्ति में वाओ मस्त लग रहा है। और यहाँ पे है गणपति महाराज जी, ये देखिए, और यहाँ पे है माता रानी, जो माता रानी जो है गणपति महाराज जी को गोद में लिए हुए हैं। ये देखें कैसा लग रहा है बताइएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा। ये देखो मस्त प्यारी लग रही है माता रानी, 15 तारीख को जो है पंडालों में मतलब बैठने वाली है, स्थापना होने वाली है उसी दिन, देख सकते हैं। ये भी मूर्ति आप देख सकते हैं मस्त सुंदर लग रही है, सामने से दिखलाता हूँ मैं। ये देखो है ना इस वाले मूर्ति को देखिए, यहाँ पे बड़ा सा शेर बना दिया गया है, और यहाँ पे मस्त गणपति पप्पा छोटा सा, और यहाँ पे देखिए माता रानी, मस्त लग रहा है भाई एक नंबर। इस तरफ देखते हैं ये वाला मूर्ति, ये देखिए हमारी माता रानी लगभग जो है कंप्लीट हो ही गई है। ये देखिए इसको देखते हैं, मस्त लग रहा है सुंदर सा, इसमें आँख वगैरह का काम देख सकते हैं लगभग जो है कंप्लीट हो गया है। मुकुट में भी आप देख सकते हैं वर्क का जो है स्टोन वगैरह जो है पूरे कंप्लीट लगे हुए हैं। ये देखो और यहाँ पे भी देखिए शेर में भी जो है काम हो गए हैं पूरे कंप्लीट। ये देखिए कलर तो पूरे हो गए हैं इसमें एक नंबर, मस्त लग रहा है भाई देख सकते हैं, है ना, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, आगे और मूर्ति है इस वाले लाइन में, उसको भी आप लोगों को जो है दिखलाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है ना मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, इसके बाद अपन इस वाले एरिया में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर जो है मूर्ति बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे देखो मस्त सुंदर सी प्यारी सी माता लग रही है। यहाँ पे देखिए सामने में ये शेर है, ये वाला जो सीन देख सकते हैं बहुत सुंदर बनाया हुआ है नीचे में। ये देखो यहाँ पे है बैल, और इस तरफ जो है पूरा मतलब जंगल को यहाँ पे दर्शा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सांप भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी के जो है मूर्ति देखिए बहुत सुंदर बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो भाई इसमें जो है काम किए जा रहे हैं। ये देखो इस वाले मूर्ति को आप देख सकते हैं, ये भी मस्त सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे का जो है डिज़ाइन वगैरह जो है दिया हुआ है एक नंबर दिया हुआ है,
ये देख सकते हैं माता में भी लगभग जो है काम कंप्लीट हो चुके हैं। स्टोन वगैरह का काम भी हो चुके हैं। मुकुट वगैरह में भी देख सकते हैं काम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और ये देखिए पीछे में जो है मोर भी दिया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। गाइस तो ये वाला जो गोदाउन है जो मैं कंप्लीट कर लिया, इसके बाद एक और गोदाउन है वहाँ पे अपन चलते हैं। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी जो मूर्ति है वो बनकर तैयार हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी मूर्ति मैंने आप लोगों को यहाँ पे त्रिमूर्ति कला केंद्र में जो दिखलाया हूँ, ये यहाँ की जो मूर्ति है वो छोटी है। और इन्हीं के जस्ट बगल में एक और गोदाउन है, इन्हीं लोग का भैया लोग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में एक बड़ा गोदाउन है, यहाँ पे जो है बड़ी मूर्ति है बनकर तैयार हो रहे हैं। कलर हो गया है, आँख वगैरह में जो है काम भी कंप्लीट हो गया, कुछ कुछ में जो है नहीं हुआ है उसको भी आप लोगों को जो है दिखाऊंगा। ये 2-4 दिनों में लगभग सारे मूर्तियों में काम हो जाएंगे। तो चलिए बैक कैमरे से जो है आप लोगों को जो है मैं दिखलाता हूँ हमारे माता रानी की जो मूर्ति को। देखिए हम पहुँच चुके हैं इस वाले सेक्शन में, चलिए हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसमें फिलहाल तो अभी पॉलीथीन से ढका हुआ है तो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर माता रानी है, यहाँ पर एक और जो है मूर्ति जो है नज़र आ रहा है, अच्छे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए ये वाली मूर्ति आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है शेर बने हुए हैं, यहाँ पे माता रानी बहुत सुंदर बने हुए, पीछे का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ना शंकर भगवान जी है जो साधु के वेशभूषा में ऐसा लग रहा है, और जो है भिक्षा के लिए माता के पास अभी पहुँचे उस वाले सीन को यहाँ पर जो है दिखलाए हुए हैं। कैसा लग रहा है जो ये वाला जो मूर्ति है ना माता का, कमेंट करके बताइएगा। बहुत यूनिक यहाँ पे बनता है त्रिमूर्ति कला केंद्र में। यहाँ पे जो माता का जो चेहरे का जो डिज़ाइन दिया गया है, आँखों में जो कलर दिए गए हैं और श्रृंगार का जो कलर दिए गए हैं आप देख सकते हैं, पूरे मतलब यहाँ पे जितने भी वर्क हुए हैं ना मिट्टी से हुए हैं और बहुत सुंदर बने हुए हैं। भाई पीछे में देख सकते हैं सांप वगैरह भी बनाए हुए हैं, ऐसे मुझे दिखाई नहीं रखा, जैसे ही मैं पास आया ना तो यहाँ पर नज़र आने लग गया। ये देखो पीछे जो है मतलब जो है जंगल टाइप का एरिया बना दिया गया है। चलिए थोड़ा सा दूर होते हैं और आप लोगों को ये वाला जो मूर्ति आप लोगों को दिखलाते हैं। ये देखो ये वाले में थोड़ा सा मतलब जो है हमारे भगवान शंकर भोलेनाथ जी जो कि खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो है शंकर भगवान जी बैठे हुए हैं और माता जी जो है ना, ये देखिए ये माता रानी है और यहाँ पे शेर है। तो माता रानी जो है देख सकते हैं यहाँ पर पानी रखी हुआ, पानी या दूध जो भी है डाल रहे हैं हमारे भगवान शंकर जी के हाथों में। ये देखो ये वाला जो सीन है ना काफ़ी यूनिक बना हुआ है भाई, आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है माता। बस इस माता में आँख का काम नहीं हुआ है, 1-2 दिन में इसमें भी लगभग कंप्लीट हो ही जाएंगे। ये देखो यहाँ पे जो है ना पीछे में ऊँट बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई, एक नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा मूर्ति कम है इस वाले एरिया में, बाकी जो भी मूर्ति बने हुए हैं ना काफ़ी यूनिक सुंदर सुंदर मूर्ति बने हुए हैं। एक बार आप विजिट करिएगा यहाँ पर त्रिमूर्ति कला केंद्र माना में। आप अगर ऑर्डर नहीं दिए हैं इस साल तो आने वाला साल में बिल्कुल आप ऑर्डर दे सकते हैं। और इस वाली मूर्ति को आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी यूनिक बनी हुई है माता रानी। आप देख सकते हैं ये सामने में माता रानी है, यहाँ पे शेर है, शेर में भी भारी भरकम जो है वर्क किया हुआ है। आप देख सकते हैं ऐसा जो शेर है ना वो देखने को नहीं मिलता भाई अपने तरफ, मतलब यहाँ माना में एक से एक जो है मूर्ति बनाया जा रहा है देख सकते हैं। और पीछे का जो डिज़ाइन है आप देखिए काफ़ी यूनिक जो है बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे तो। और माता में जो है सिर्फ आँखों का काम अभी नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, ये देखो ये भी मूर्ति लगभग सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा भी कलर का काम मेरे को ऐसा लग रहा है बचा हुआ है, जिसमें वाइट कलर बस हुआ है और इसमें कलर होने में भी टाइम है थोड़ा सा। ये देखो आँखों वगैरह में थोड़ा सा काम बचा हुआ है। कई लोग कमेंट करते हैं कि आँख वाला जो है तैयार किए हैं उसको बनाइए करके, लेकिन उसके पहले मैं काफ़ी लोग जो है कमेंट करते हैं आप माना गए हों कि नहीं गए हों, और काफ़ी सारे जो है यहाँ पर मूर्तिकार देखने को मिल है, बट क्या है सभी के पास जाते हैं कलर नहीं हुआ रहता है, किसी में वर्क नहीं रहता है, तो कई लोग जो कमेंट करते हैं आप पूरा वर्क करके दिखलाइए, तो उस हिसाब से मैं दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचा, मुझे अच्छा लगा तो आप लोग को जो है दिखला रहा हूँ। ये देख सकते हैं, चलिए इस वाले मूर्ति में अपन चलते हैं। अभी जस्ट मैं इस वाले गोदाउन में गया हुआ था, भैया लोग का 2 गोदाउन है यहाँ पे, पीछे एक और गोदाउन है उसमें गया हुआ था ना, तो ये माता का जो रूप है ना ये देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है। इसको मैं छोटे रूप में आप लोगों को जो है
दिख रहा है। यहाँ पे बड़ा रूप है माता जी का, ये देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे शेर भी है, यहाँ पे देख सकते हैं बैल भी है, छोटे छोटे चिड़िया भी है, यहाँ पे गुलाब कमल ऐसे फूल है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पर जो है चिड़िया बैठी हुई है, ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है भाई। कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला जो मूर्ति है ना आप लोगों को कैसा लग रहा है ना, यूनिक लग रहा है एक तरफ। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आइए एक बार देखिए। इस वाले मूर्ति में अभी नहीं हुआ है, सिर्फ वाइट शक का काम हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी है माँ सरस्वती जी है, ये देखो। इस वाले मूर्ति को आप लोगों को जो है दिखलाते हैं, इसमें ये वाला तो लगभग कमेंट हो गया ऐसा लग रहा है, और पूरे पॉलीथीन से भी ढक दिया गया है। बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है भाई, करीब करीब 15 फीट के आसपास में ही होंगे, और बहुत चौड़ा में है, पता नहीं चल पा रहा कि कौन कौन सी मूर्ति है। ये देखो एक नंबर मूर्ति, वाओ क्या सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है, कमल के फूल है, उसमें माता रानी जो है बैठी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो शेर है, इस तरफ देख सकते हैं भगवान शंकर जी, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो जो है शंख बजाते हुए ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं शंकर भगवान जी हैं ऊपर में, और ये नंदीबल है, नंदीबल भी काफ़ी यूनिक बना हुआ है भाई, एक नंबर। दूर है थोड़ा सा, मैं आप लोगों को दिखाऊं से, ये देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल कमेंट करिएगा। यहाँ पे जब कलर होंगे तो और बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखो यहाँ पे माता रानी है साथ में, और उन्हीं के बगल में यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी, ये देखो। चलिए इस वाले मूर्ति को आप लोगों को जो है दिखलाते हैं, ये देखो वाओ क्या लग रहा है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं शेर है, यहाँ पे माता रानी, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा जो है कृष्ण भगवान जी की वेशभूषा में ऐसा टाइप का बनाया, ऐसा टाइप का लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे ये देखो मुँह क्या है, खरगोश है कि मूसा का, मूसा टाइप का लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर, यहाँ पे देख सकते हैं हिरन वगैरह बना दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे जो है फूल बना दिए गए, इसको अभी हरा कलर करेंगे और अच्छा लगेंगे। यहाँ पे मोर बना दिया गया है, यहाँ पे छोटा सा बंदर बना दिया गया है, और पीछे का जो डिज़ाइन देख सकते हैं बहुत सुंदर भाई, एक नंबर। ये वाला मूर्ति देखो यार, एक नंबर मानना पड़ेगा, कलर अभी इसमें हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे शेर माता रानी, यहाँ पे भगवान शंकर जी, ये देखिए कैसा लग रहा है ये वाला मूर्ति, आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। चलिए आगे दिखलाते हैं। ये वाला मूर्ति लगभग तो अभी वाइट शार्क में कलर हुए हैं, अभी कलर होने में अभी सिर्फ 2 से 4 दिन टाइम लगेगा, ये भी अब हो जाएंगे, फिर अगर समय ज़रूर मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। ये वाला मूर्ति को देख सकते हैं भाई, एक नंबर यार, बहुत सुंदर। यहाँ पे पीछे में शेर है, शेर में अभी कलर नहीं किया है। यहाँ पे माता रानी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी और शिवलिंग मतलब साथ में बना दिया गया है, वाओ एक नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया छोटा सा, ये देखेंगे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखो छोटे छोटे जो फूल है ना उसको यहाँ पे बना दिया गया है, यहाँ पे छोटे छोटे जो फूल है ना उसको बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये देखो सांप भी जो है तैयार किया गया, और यहाँ पे भी जंगल जैसा शेर बना दिया गया है, मतलब इसमें कलर करेंगे तो और बहुत सुंदर लगेंगे। छोटे छोटे चिड़िया भी बना दिया गया है, वाओ ये देखो, इसमें भी अभी काम चल रहे हैं, देखो इसमें कलर कर रहे हैं माता रानी में, ये देखिए और ही वाला माता रानी को देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट दिखलाता हूँ मैं। माना में और मैं पहुंचा हुआ था त्रिमूर्ति कला केंद्र में। यहाँ पे मूर्ति आप लोगों को जो है मैं दिखलाया हूँ, कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी मैं देखा हूँ और आप लोगों को जो है दिखलाया हूँ, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ बनाकर तैयार किए हुए हैं। कुछ कुछ जो मूर्तियाँ उसमें जो है आँखों का काम नहीं हुआ है, वो भी 2 से 4 दिनों में हो जाएंगे। अगर आप लोग का आना होता है 2 से 4 दिनों में तो लगभग यहाँ पे आपको पूरा काम कम्प्लीट देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।